हम लोगों की सोच ऐसी क्यों है कि बेटी को एक बेटा बनना पड़े। सबसे बड़ी तो पेन यहाँ होती है, अरे बेटी बेटी क्यों नहीं है, बेटी को ये एग्जाम्पल क्यों देना पड़ता है, अरे मैं लड़की नहीं मैं लड़का बन के दिखाऊंगी। क्या डिफरेंस है लड़की और लड़के में, ये बताइए। ठीक है, एक पहली वुमेन चांद पे जाने वाली तो वुमेन ही थी, ठीक है, वो भी तो एक लेडी थी। पेश है इजुसा डायमंड ज्वेलरी, उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इजुसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए, कॉल नाउ 1-800-532-8444। घुमक्कड़। नमस्कार, मेरा नाम वसीम अकरम है और हमारी घुमक्कड़ की टीम इस वक्त बहराइच जिले के कारीकोट में मौजूद है और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, दूर आपको जंगल, घने जंगल दिखाई दे रहे होंगे और पीछे हमारे गन्ने का खेत है। यहाँ जस्ट यहीं से मेरी बाईं तरफ गन्ने का खेत है। जब भी गन्ने का जिक्र आता है तो मन में एक तस्वीर कौंच जाती है और वो तस्वीर होती है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गन्ना किसान की। जी हाँ, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब भी हम वन क्षेत्र की तरफ आते हैं, बहराइच के वन क्षेत्रों में हमारा प्रवेश होता है, आगमन होता है, तो जो सबसे पहली तस्वीर यहाँ की जो मारूफ तस्वीर है वो उभर के आती है, वो सरदार रेशम सिंह जी की होती है। रेशम सिंह जी वही हैं जिनको दो बार उत्तर प्रदेश के दो दो मुख्यमंत्रियों ने सम्मानित किया उनके गन्ने की जो खेती किसानी है उसकी वजह से। 18 से 20-20 फीट लंबे गन्ने उगाते थे सरदार रेशम सिंह। ये बात हालांकि दुखद है कि अब वो दिवंगत हो चुके हैं, हमारे बीच नहीं हैं, ये बड़े ही दुख का विषय है। तो हम आए हैं यहाँ बहराइच में, कारीकोट में हैं, उनके घर पे आए थे क्योंकि उनसे हमारी खूब अच्छी जमती थी। जब भी हम आते थे तो बड़ी ढेर सारी बातें होती थी, खेती किसानी को लेकर के बातें होती थी और बात बात में वो एक लाइन अक्सर बोला करते थे कि वसीम भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो अक्सर रोना रोया जाता है खेती किसानी को लेकर कि खेती में नुकसान हो गया, बकौल अगर सरदार रेशम सिंह की ज़ुबानी मैं कहूँ या उनकी लाइनों को दोहराऊँ तो उनके मुँह से जो शब्द निकलते थे, जो लाइनें निकलती थी, वो कहते थे कि किसान अगर पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से, धैर्य के साथ अगर खेती किसानी करता है तो उसे कभी खेती में नुकसान नहीं होगा। हम लोग उनसे मिलने के लिए जब भी आते थे तो ढेर सारी इस इंटीरियर इलाके की बातें होती थी, यहाँ के विकास को लेकर अक्सर वो चिंतित रहते थे। तो इस बार हम आए हैं, उनके घर में भी गए, हालाँकि वो कमी कोई नहीं पूरा कर सकता, उनके ना होने का दुख क्या है वो हमारा दिल जानता है, लेकिन आप मेरी बाईं तरफ देख रहे होंगे एक लड़की खड़ी हैं, सरदार रेशम सिंह की ये बेटी हैं और बड़ी ही दिलेर ये लड़की हैं और इनके विषय में आपको बताऊंगा, इनसे बातचीत के दरमियान आपको पता चल जाएगा कि ये लड़की कितनी साहसी। हम बहराइच में आए तो हमने सोचा कि क्यों ना जाके देखें कि अब उनके ना होने के बाद परिवार की क्या स्थिति है। परिवार में उनकी एकमात्र बेटी हैं तो उनसे हम मिले और मिलकर बड़ा मज़ा आया। मज़ा क्यों आया उसके पीछे की वजह आपको बताता चलूं कि अक्सर हमारे हिंदुस्तान में सोचा जाता है कि लड़कियां बस घर के काम करने के लिए, चौका बर्तन चूल्हा करने के लिए, शादी करके दूसरे का परिवार संभालने के लिए बनी हैं। लेकिन रंजीत कौर हमारे साथ हैं, नाम इनका बातचीत में पता चल गया है तो आपको रूबरू कराता चलूं। नाम से रंजीत कौर नाम है, जितनी प्यारी हैं उससे कहीं ज़्यादा ये साहसी हैं, साहस इनमें कूट कूट के भरा है और हमें यकीन है कि सरदार रेशम सिंह जी की जो सोच थी वो इनके माध्यम से अब आगे बढ़ेगी। तो हम लोग बात करेंगे रंजीत कौर से, बात करने की अपनी एक वजह है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गन्ना किसान ने अपनी बेटी को इस लायक बनाया पढ़ा लिखा करके कि उनकी विरासत को, उनकी सोच को आगे बढ़ा रही हैं। आप दाहिनी तरफ देख रहे होंगे ये जो पूरा फील्ड है, खेत है, इसमें छोटे छोटे पौधे अंकुरित हो रहे हैं गेहूँ के और ये काले वाले गेहूं हैं। अक्सर आपने सुना होगा वो सफ़ेद वाले गेहूं, प्रोटीन युक्त, दूध वगैरह मिलाकर बहुत सारे कंपनीज प्रचार करती हैं, तो ये काले वाले गेहूं। अब वो काले वाले गेहूं का क्या राज है रंजीत बताएंगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रंजीत। थैंक यू। सरदार रेशम सिंह जी की मैंने बात करी, आपके पापा थे वो और आपका तो बचपन से लेकर आप इतनी बड़ी हुई उन्हीं के साय में आप पली,
तो अब उनके होने और ना होने का क्या फर्क है आपके जीवन में, थोड़ा उस पर बात हो जाए फिर आगे बात करते हैं। जी, फर्क तो जो है वो मैं आपको कभी बता भी नहीं सकती, जो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, जो फीलिंग है या जो दर्द है, लेकिन जो उनके बताए हुए रास्ते हैं या जो उन्होंने किया उस चीज को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। इसलिए मैं बहुत परेशान हुई, बहुत तकलीफ देखी, बहुत प्रॉब्लम देखी, लेकिन अपने आप को स्टैंड किया कि अपने पापा के सपने को पूरा करने के लिए जो उन्होंने किया, क्योंकि वो उनका एक सपना था कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे इंडिया को टॉप करना। बिल्कुल ठीक है, तो मैं भी वही चाहती हूँ। मैं वो नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। एक शहर से आ करके लखनऊ छोड़ के, अपना घर छोड़ के गाँव में रहना, बहुत शुरू से लखनऊ में रही। जी, मैं शुरू से बैंगलोर रही हूँ। बैंगलोर जी, अच्छा। साउथ में रही हूँ, वहीं पे स्टडी किया, सॉफ्टवेयर से हूँ, और यहाँ आकर के बहुत खराब एक्सपीरियंस था शुरू में। एक पेरेंट्स को खोने का दर्द बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, फिर मतलब कीड़े मकौड़ों से डर लगना, और आज ये कंडीशन है कि सामने सांप भी आ जाए तो मुझे डर नहीं लगता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि आप काफी साहसी हैं, बहादुर हैं। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे अक्सर ही हो रहा था ना कि अब सरदार रेशम सिंह के ना रहने की वजह से जो उनकी विरासत है, परंपरा है, अब यहीं पे उसका मतलब वो स्टॉप्ड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो उसको आपने आगे बढ़ाया, ये काले गेहूँ आपने खेत में लगाया। मैं कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ। अभी केला भी लगाया है मैंने 2.5 एकड़ खुद अपने हाथ से लगाया और काला गेहूँ तैयार किया, सट्ठा धान, जबकि इस एरिए में किसी का नहीं था। मेरा सिर्फ मेरा और एक आदमी है वहाँ मटेही में, उनका था। मैंने सट्ठा धान 1 एकड़ में 40 कुंटल तैयार किया, खुद से, खुद ट्रैक्टर चलाया, खुद खेती किया। खुद ट्रैक्टर भी आपने चलाया? जी, खुद चलाया। तो और अभी कुछ ट्रैक्टर चलाती हूँ, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जी, और जो है अभी काली गेहूं मेरे फादर ने पिछले साल तैयार की थी, बट अभी मैंने जो है दोबारा से, सबने मना कर दिया कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसी खेत में जी, ये काली गेहूं में मतलब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज यहाँ इंडिया में नहीं है, क्योंकि ये हाई फाइबर प्रोटीन से मतलब भरपूर है काली गेहूं जो है, तो मैंने इसीलिए इसको तैयार किया कि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है वो वहां तक जाए। बहुत लोगों ने राय दिया कि इसमें नुकसान हो जाएगा, इसमें नहीं, लेकिन जो मुझे करना है मैं वो करूंगी। जो मेरे पिताजी, जो मेरे फादर ने किया उसको मैं आगे लेके जाऊंगी, उसको मैं बढ़ाऊंगी, कम नहीं कर सकती हूँ। जैसे उन्होंने मुर्गी पाला हुआ था, कड़कनाथ था, फिश पालन था, मैंने उसको इंक्रीज किया है, आगे बढ़ाया है जी, और मैं बढ़ाऊंगी। देखिए, जब शहर छोड़ के गाँव गई और अपने पिताजी के नाम को कभी डाउन नहीं कर सकती हूँ, उनको ऊपर, उसको ऊपर लेके जाऊंगी, चाहे कैसे भी करूँ। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। आप कपड़े देख करके अंदाजा लगा रहे होंगे कि इतनी स्टाइलिश लड़की किसान कैसे हो सकती है, तो आप यकीन मानिए इनके द्वारा उगाया गया, मैं आपको गेहूं मंगा के दिखाना चाहता हूँ। गेहूं आप देखेंगे वो काला वाला गेहूं, तो आपको यकीन होगा। और ये गेहूं स्पेशली इसके अंदर कोई भी, थोड़ा सा उठा के दिखाएं हाथ में, ये इसके अंदर कोई भी खाद नहीं है और कोई भी केमिकल नहीं है, कहीं पर भी टेस्ट करा सकते हैं। सिर्फ इसमें गौमूत्र और पपीते की पत्तियां और नीम की पत्तियों की स्प्रे है, और जो कि हम लोग जो है गौमूत्र वहां पे कलेक्ट करके इकट्ठा करके उसकी स्प्रे करते हैं, और ये हाई फाइबर और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, जबकि हमारे इंडिया में बहुत रेयर है, ब्लैक वीट बहुत रेयर है। तो सिर्फ मेरे ख्याल से पूरे बहराइच में या लखीमपुर में या लखनऊ में हमारे यहाँ ये ब्लैक वीट बहुत लोगों को मैंने दिया भी, डोनेट भी किया बहुत लोगों को, और अभी भी होप है कि अच्छे करने की कोशिश कर रही हूँ जितने भी निकलेगी। बट इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इसके बेनिफिट देखिए, जैसे कैंसर वगैरह के लिए हम लोग हाई फाइबर को के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो ये उस चीज़ों के लिए, कैंसर है या किसी को अस्थमा है या हेल्थ जो भी डिसीज़ है, पेट की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसकी अगर रोटी खाई जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसका दलिया बना के भी खा सकते हैं और दलिया भी बनाया जा सकता है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है, जैविक है। सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो और आगे भी कोशिश यही है कि इसको, इसके अलावा भी और किस किस तरह की खेती आप कर रहे हैं? अभी हमने केला लगवाया है 2.5 एकड़,
रायगढ़ में जी केला लगवाया है और बाकी मसूर की खेती करवाई है। अच्छा। सरसों की खेती करवाई है, चने की खेती है। अच्छा। ये सारी खेती मैंने करवाई है। जो हमारा सरदार रेशम सिंह जी ने आपको पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा और बेंगलोर में आपने पढ़ाई किया, वहाँ पे आप काफी समय तक रही, सॉफ्टवेयर से हैं आप, और फिर उसके बाद सरदार रेशम सिंह जी अपनी कला में अपनी विधा में यहाँ पे इतिहास रच रहे थे। किसी को तो नसीब भी नहीं होता, मुख्यमंत्री को दूर से ही देख के लोग तसल्ली कर लेते हैं, दो दो बार मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया, सम्मानित किया, ये सब चीज़ें आपके लिए कितना मायने रखती हैं? मुझे बहुत प्राउड है, मैं एक ऐसे इंसान की बेटी हूँ और मैं हमेशा प्राउड करती हूँ कि मेरे फादर एक लेजेंड मैन थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेजेंड मैन थे और एक बहुत अच्छे इंसान थे कि हर किसी की मदद करना, और उनसे ही मैंने हर चीज़ सीखी है कि हर किसी की हेल्प कैसे की जाती है। और जो लोग यहाँ पे करप्शन करते हैं, दलाली करते हैं, उन लोगों को डैडी ने ख़त्म किया, हर चीज़ हर जगह पे वो खड़े, हमेशा पुअर लोगों की उन्होंने मदद किया, और भी गलत हुआ उन्होंने स्टैंड लिया। और वही आदत मेरी है, मैं कभी गलत का साथ नहीं देती हूँ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, गलत का साथ नहीं देती हूँ। चाहे मेरे सामने कोई भी खड़ा, अगर वो गलत है तो उसके साथ मैं अड़ जाती हूँ, मेरी भी वही। और जो भी मैंने सीखा वो मेरे पेरेंट्स से ही सीखा है, मेरी मॉम भी बहुत अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी लड़ी थी, मेरे फादर का तो कहना ही क्या, वो तो सबको पता है। रंजीत बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और उन्हें भी कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं होता, स्टैंड लेती हैं। और एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, आप लड़की हैं और अक्सर लड़कियों को आज जो भी हमारे देश में उनके साथ जो मिसहैपनिंग हो रही हैं, जगह जगह रेप गैंग रेप की चीज़ें, छेड़खानी की चीज़ें सुनने में आती हैं, वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर से चल के एक लड़की, मतलब सीखी हुई पढ़ी हुई सॉफ्टवेयर की दुनिया की लड़की इस धूल मिट्टी में आकर के अपने आप को स्टैंड करती है और दुनिया को बताती है कि हम भी किसी से कम नहीं है ना, मैं सरदार रेशम सिंह की बेटी नहीं, मैं बेटा हूँ, इस तरह की फीलिंग्स मुझे आ रही आपसे बात करके। ठीक है, सबसे मैं आपको रोकना चाहूंगी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों की सोच ऐसी क्यों है कि बेटी को एक बेटा बनना पड़े। सबसे बड़ी तो पेन यहाँ होती है, अरे बेटी बेटी क्यों नहीं है, बेटी को ये एग्जाम्पल क्यों देना पड़ता है, अरे मैं लड़की नहीं मैं लड़का बन के दिखाऊंगी। क्या डिफरेंस है लड़की और लड़के में, ये बताइए। ठीक है, एक पहली वुमेन चांद पे जाने वाली तो वुमेन ही थी, ठीक है, वो भी तो एक लेडी थी। रंजीत, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो पूरा नहीं हो पाया था, बीच में आपने मुझे रोक दिया था। हालांकि बहुत सही बात आपने कहा कि एक लड़की को लड़का बनने की ज़रूरत क्या है, क्यों बार बार साबित करना पड़ता है, तो ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, अब मैं यहाँ पर सुधार कर लेता हूँ। मेरा कहना यह था कि अक्सर जो मिसहैपनिंग हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं समाज में, उसको आप यहाँ पर किस तरह से देखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को ताकि वो भी मजबूती के साथ इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सके और वाकई जो सम्मान होता है हमारे देश में महिलाओं को, बेटियों को, वो मिल सके। सबसे पहले तो हमारी फैमिली वाले जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो जब लड़कियों के साथ गलत होता है तो वो बोलते हैं कि लड़की को ऐसे नहीं बोलना है, सबके सामने समाज में उसकी इज्जत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, डट के लड़ना चाहिए। अगर माँ बाप लड़की का साथ देंगे तभी तो लड़की स्टैंड करेगी। बिल्कुल, जब माँ बाप लड़की को दबा देंगे कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी, तो लड़की बेचारी, तो उसके साथ तो गलत हुआ, वो तो बेचारी डरेगी ही। तो मेरा कहना यही कि माँ बाप को फुल सपोर्ट करना चाहिए और लड़की को खुद स्टैंड करना चाहिए। लड़की को कभी ये नहीं समझ, अपने आप को कभी कंपेयर नहीं की मैं लड़का होती तो ऐसे करती, नहीं, अरे मैं अपने आप में एक बेटी हूँ, लड़की हूँ, यही काफ़ी है, एक औरत हूँ। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि जो भी लड़कियां इस चीज़ के लिए दबती हैं या डरती हैं, उनको ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए, वो स्टैंड लें। अगर उनके माँ बाप नहीं भी साथ दे रहे, उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो माँ बाप को छोड़ के भी खड़ा होना चाहिए, उनको स्टैंड होना चाहिए। अगर एक लड़की करेगी, दो करेंगी, तभी कुछ आगे होगा। मतलब आगे बढ़ के अपनी बात को रखना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, बिल्कुल दबना नहीं चाहिए। और अगर हम यही सोच में रह जाएंगे कि हम लड़की हैं, हमारी इज्जत ऐसे हो जाएगी, अरे लड़की और लड़के की इज्जत तो बराबर होती है, अगर लड़के ने छेड़खानी की और लड़की दब जाएगी, क्यों, उसको ईंट का जवाब पत्थर से ही देना पड़ेगा, तभी हमारा समाज सुधर सकता है, तभी बदलाव आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। जी बिल्कुल जी। आप बाहर से पढ़ के आई, आपने आउट ऑफ यूपी से पढ़ाई लिखाई किया, फिर आप यहाँ पे आई, जाहिर सी बात है शहर और गांव में शिक्षा का स्तर फर्क होता है, लोगों की जागरूकता का जो लेवल है, सोशल अवेयरनेस की जो लेवल्स हैं, उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं। तो क्या ये माने कि अब रंजीत कौर खेती किसानी के साथ साथ यहाँ के महिलाओं या जो लड़कियों को है आप निर्भर बनाएंगी,
उनको महिला अधिकारों के बारे में जानकारी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सपोर्ट करती हूँ। अगर किसी के साथ में किसी ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं या मेरे पास में कोई मदद के लिए आता है तो मैं उनकी जितनी मेरा दायरा है, जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं करती हूँ और करती रहूँगी। कि किसी के साथ भी मेरे, अगर मैं यहाँ रह रही हूँ शहर छोड़ के, तो मेरे पास या मेरे घर पर कोई मेरे से मदद मांगने के लिए आया है तो मैं कभी ऐसा नहीं होने देती कि मैं मदद ना करूँ। मैं हमेशा उनके साथ हूँ और हमेशा हर किसी लड़की को, हर किसी लेडी को यही बोलती हूँ कि ना गलत सहो, ना गलत बर्दाश्त करो और ना गलत करो। अगर हम वुमेन हैं तो इसका मतलब ये हमें राइट नहीं है कि हम गलत करें, नहीं, हम ना गलत सहें ना गलत करें। मेरा मेन यही है हर किसी को। सुनने में भी आता है कि लड़की ने गलत फंसा दिया। जी, गलत फंसा दिया, तो वो देखिए ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक वुमेन हूँ, एक लड़की हूँ, तो मैं ये बोलूँ कि नहीं आप जो है गलत करके या ऐसे करके फंसा दीजिए। जो भी आजकल जो 76 एक्ट लगती है वो सब चीज़ें गलत हैं, उसमें जो है 70% फेक भी होता है। लेकिन अगर लड़की के साथ वाकई गलत हो रहा है, वास्तव में रियल में गलत हो रहा है, तो उसको आवाज़ उठानी चाहिए, उसको गलत नहीं सहना चाहिए। खेती किसानी से शुरू किया हमने आपको और कहाँ कहाँ से कहाँ ले जा करके दूसरी जगह पे हम लोग चले गए, फिर मैं लौटता हूँ उसी तरफ। आगे क्या प्लानिंग्स हैं और किस तरह से आप खेती किसानी को और बेहतर तरीके से करना चाहती हैं भविष्य की, क्या आपके? मेरी प्लानिंग ये है कि आगे जो है मैंने केला लगाया है और आगे एक फार्म है जो मेरा वहाँ पे मटेही में, जहाँ पे पहले गन्ना डैडी ने पैदावार किया था, वहाँ पे केनू का और इसका नाशपति का और पपीते का एक बाग तैयार करने के लिए सोच रहे हैं। और एक वहाँ पे अपना एक गेस्ट हाउस भी बनाने की सोच रहे हैं, ताकि जो यहाँ ये टूरिस्ट प्लेस है, जो लोग आते हैं जिनको यहाँ रुकने में प्रॉब्लम्स आती हैं, सिटी से आते हैं, उनको रहने के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो वो फैसिलिटीज़ हम दे सकें और रिजनेबल दे सकें। जी, तो वो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे देखिए मेरे पिताजी का, मेरे डैडी का साथ और ऊपर वाले का साथ है, तो मैं बहुत कुछ करूंगी। हमेशा आपके साथ हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं, और ये आखिरी सवाल है आपसे, लेता हूं आपसे वो सवाल कि आपके पिताजी को दो दो मुख्यमंत्रियों ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने और फिर उसके बाद मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सम्मानित किया रंजीत कौर, क्या चाहते हैं कि उसी खेती उसी किसानी से उससे दो कदम आगे बढ़ के, क्योंकि होता है ना कि जब बाप ऐसा तो फिर मतलब बेटा या बेटी कैसा है ना, दो कदम उनसे आगे, तो क्या माने कि आप खेती किसानी से फिर वो मुकाम बिल्कुल या उससे बेहतर? मैं जो मेरे पापा ने अधूरा छूट गया, जो मेरे पापा चाहते थे कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को या पूरे इंडिया को टॉप करें, उत्तर प्रदेश को तो खैर उन्होंने टॉप किया ही, इंडिया को करें, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी वैसा उनका जो उनका सपना पूरा कर सकूं इस खेती में। अगर मैं गांव में आ ही गई तो अगर कुछ नहीं किया तो फिर बेकार है। बेशक सही बात कही आपने, रंजीत कौर ने बिल्कुल सही बात किया कि मैं गांव में आ ही गई हूं और इस मिट्टी से मैंने अपना दिल लगा ही लिया है, तो मैं सरदार रेशम सिंह की बेटी हूं और मैं बहुत कुछ करूंगी, पापा के अधूरे सपने को पूरा करूंगी, इस तरह की ख्वाहिश उनकी और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि वो ऐसा करें। क्योंकि हम एक नई जनरेशन के साथ बात कर रहे हैं, हमने सरदार रेशम सिंह जी से बात किया तो लगा कि बात करने के बाद लगा कि वास्तव में जो कहा जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, वो वाकई में है, क्योंकि ऐसे किसान ही भारत को महान बनाते हैं, अन्नदाता जो होते हैं भारत को महान बनाते हैं। और उनकी जो अगली जनरेशन या उनकी बेटी की बात करूं तो उनसे बातचीत करके मुझे अंदाज़ा हो गया कि जैसे होता है ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो मैंने तो नहीं देखा था लेकिन इतने बड़े होने के बाद तो देख लिया है। और इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा विषय हो सकती हैं, एक बड़े बदलाव के तौर पे रंजीत कौर का जो पूरा ओवरऑल व्यक्तित्व है इनका, वो निखर के आ सकता है, यहाँ के लोगों को भी इनके अनुभव का फायदा मिल सकता है, चाहे वो खेती किसानी का हो या वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के जो बातें आपने कही। इनकी एक लाइन मैं हमेशा मेरे दिमाग में कौंधेगी, वो ये है कि बेटी को बेटा क्यों बनाने की कोशिश की जाती है, वो बेटी बनके ही क्यों नहीं वो सारे काम कर सकती है। तो ये लाइन जो इन्होंने बोली वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो चुकी है, शायद मैं उन लाइनों को कभी भूल नहीं पाऊँगा। और इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं, हमारी टीम की सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, घुमक्कड़ की टीम की सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ऐसे ही दिन दूना खेती किसानी में नाम करते रहिए और हम आशा उम्मीद करते हैं कि पिताजी ने तो आपके मुख्यमंत्री जी से सम्मान लिया, आप प्रधानमंत्री जी से लें, यही हमारी ख्वाहिश है। धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।